सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ स्नेहा और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्नेहा होम किचन में। तो चलिए आज हम बनाते हैं लेमन राइस। इसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला है, इसमें राई, जीरा, सौंफ, हींग डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है उड़द दाल, थोड़ी सी चना दाल। इसे अब हम चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। जब फिर इसमें हम डाल देंगे मूंगफली के दाने, इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे। जब ये दाल अच्छे से पक जाएगी इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची। मैंने हरी मिर्ची को लंबे साइज में काटा है, आप आपके हिसाब से काट सकते हो। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दी हल्दी, इसे भी हम थोड़ी देर चलाएंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार नमक डालेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद जो चावल हैं इन्हें हम डालेंगे। आप ताज़ा चावल भी ठंडे करके डाल सकते हो या फिर रात के बचे हुए चावल भी डाल सकते हो। मैंने ताज़े चावल का यूज़ किया है, चावल बना लिए थे और इन्हें पंखे में सूखने के लिए, ठंडा होने के लिए रख दिए थे। इसके बाद इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़े बहुत जो हमें इकट्ठे हुए चावल दिख रहे हैं इन्हें भी हम हाथ के हेल्प से इन्हें हम तोड़ लेंगे। इसमें लम्स जैसे बन गए हैं चावल के, इन्हें हम सारों को तोड़ लेंगे। इसमें मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया है, हरा धनिया हम काट कर डाल देंगे और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी शक्कर भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से हमारे स्वादिष्ट जीरा राइस बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।